Hello friends, Object Oriented Programming in Java case series में आज हम Abstraction को पढ़ेंगे। Abstraction in Java. Abstraction is a process of hiding implementation details and showing only functionality to the user. Abstraction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये तो शो हो रहा होता है कि काम हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है ये शो नहीं होता, यानी कि हमें जो काम हो रहा होता है वो तो शो हो रहा होता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स या इसके बैकग्राउंड कौन से प्रोसेस हो रहे हैं वो शो नहीं होते। And other way it shows only important things to user and hides the internal details. जैसे कि हमारे GUI इंटरफेस में हमें जस्ट आइकॉन नज़र आ रहे होते हैं, हम जस्ट उनको क्लिक करते हैं और हमारा काम परफॉर्म हो जाता है, यानी कि हमें वो इम्पोर्टेंट थिंग्स शो कर देते हैं, हम जस्ट उन पर क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है। इसके पीछे क्या काम हो रहा होता है या इसके इंटरनल काम क्या है ये हमें शो नहीं होता, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग को अब्स्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल फोन्स हैं, हम जस्ट मैसेज टाइप करते हैं सेंड कर देते हैं, कॉल करने के लिए नंबर टाइप करते हैं और कॉल कर देते हैं, इस तरह दूसरे काम परफॉर्म करते हैं जस्ट बाय टच एंड टाइप। लेकिन इन तमाम कामों के पीछे कौन सा यानी कि बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा है इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हमें शो नहीं होती, जस्ट हमें ये शो होता है कि हमारा काम हो गया है, लेकिन ये शो नहीं होता कि इसके पीछे ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये काम परफॉर्म हुए हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। जावा में दो तरह से अब्स्ट्रैक्शन अचीव की जा सकती है, बाय अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो हम अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या। अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अ क्लास डिक्लेयर्ड विद अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड is known as abstract class. ऐसी क्लास जो abstract keyword के साथ declare हो उसको हम abstract class कहते हैं, और उस abstract class को हम extend करके उसके methods को implement करते हैं। abstract class का object नहीं बनाया जा सकता। abstract class बनाने के लिए इसका syntax यह है कि सबसे पहले हमने अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करना है, देन क्लास का कीवर्ड, और उसके बाद क्लास, उसके बाद हमने जो भी इसके अंदर कोडिंग करनी होती हो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना ज़रूरी नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते क्या अब हम ये देखते हैं। ऐसा मेथड जो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना की गई हो उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर्ड विद अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ द अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड बट इट रेफरेंस वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड। इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते लेकिन हम इसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अब्स्ट्रैक्शन हमारी चॉइस के मुताबिक देनी हो,
यानी कि जीरोस टू 100%, अगर हम चाहें तो 0% एब्स्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं और अगर हम चाहें तो 100% एब्स्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं, और यानी कि डिपेंड्स होती है प्रोग्रामर पर कि वो कितनी एब्स्ट्रैक्शन देना चाहता है अपने प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को। वी कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास वेयर वी वांट टू इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम 0 to 100%। इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन अस दैट हाउ मच एब्स्ट्रैक्शन वी वांट टू इंप्लीमेंट इन अवर प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट सॉरी प्रोजेक्ट। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने एक बाइक क्लास बनाई, बाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ किया, देन क्लास का कीवर्ड, और उसके बाद क्लास का नेम दिया बाइक, ओपन ब्रैकेट वाइट शो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट होंडा बाइक। हमने एक मेथड शो का ले लिया जिसमें हमने होंडा बाइक का मैसेज डिस्प्ले कर दिया, और हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया रन का, इसकी हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, जस्ट इसकी डिक्लेरेशन की है। उसके बाद हमने एक क्लास होंडा 4 को बाइक क्लास से एक्सटेंड कर दिया और इसके अंदर हमने रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन रनिंग अबाउट 130 किलोमीटर का मैसेज डिस्प्ले कर दिया। मेन मेथड में जाकर हमने बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया, बाइक यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर बना रहे हैं, और होंडा 4 क्लास के जरिए हम इनको इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लास बाइक का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हाँ लेकिन हम इसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इसको इनिशिएट करने के लिए हमने होंडा 4 का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, यानी कि हमने यहाँ पर फिर हमने रन मेथड को कॉल किया और मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ये थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एग्जांपल। मज़ीद हम इसको नेट बीन पर एक प्रोग्राम बनाकर इसकी वर्किंग को चेक कर लेंगे। अभी हम कुछ पॉइंट्स से देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर इन जावा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है। इन जावा वी कैन हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमारे पास एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है जिसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम फाइनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं दैट कैन नॉट बी अवॉइडन। इफ़ द चाइल्ड क्लास डज नॉट इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ पेरेंट क्लास देन इट मस्ट डिक्लेयर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर हम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और एक और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड किया है और हम उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स चाइल्ड क्लास में नहीं देते तो हमें चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो सिंटैक्स एरर आएगा और हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाकर एब्स्ट्रैक्शन की वर्किंग को देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन किस तरह काम करती है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक हमारे पास है एम्प्लॉय की एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें हमने एक सैलरी का इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और इस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करवा दिया। इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया हुआ है कैलकुलेट सैलरी। जैसे कि दो टाइप्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय और
कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक और डिफरेंट फार्मूला होता है, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट। परमानेंट के लिए डेज पर उसकी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट की जाती है, जबकि कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय के लिए हावर्स के बेस पर उसकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अब्स्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर सकते हैं, कि यहाँ पर हमने जस्ट एक मेथड को डिक्लेयर किया, उसकी डेफिनेशन नहीं की, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। अब इस क्लास को जो क्लास भी यानी कि इसको इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड करेगी, उसको ये मेथड अपनी ज़रूरत के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इसको परमानेंट एम्प्लॉय की क्लास इनहेरिट करती है तो वो इसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी, अगर इसको कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट करती है तो वो इसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि नेम तो सेम है लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स डिफरेंट हो जाती है। हमने एक क्लास एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय बनाई, उसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड कर दिया, उसमें हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया डे का और सैलरी कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दी। इसी तरह हमने एक कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय क्लास बनाई, उसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल हॉर्स को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कर दिया, और एक कैलकुलेट सैलरी के मेथड को ओवरराइड करके हमने सैलरी डिस्प्ले कर दी। अब हमने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जिसमें हमने मेन मेथड बना के एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया। एम्प्लॉय क्लास ये कौन सी है? एम्प्लॉय अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एम्प्लॉय अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया और रेफरेंस वेरिएबल को परमानेंट क्लास से इनिशिएट करा दिया और कैलकुलेट सैलरी को कॉल कर लिया। इसी तरह हमने एक कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, और उसका कैलकुलेट सैलरी का मेथड शो कर दिया। जैसे ही हम इनको रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, परमानेंट एम्प्लॉय एनुअल सैलरी इज एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सैलरी इज। तो ये थे अब्स्ट्रैक्शन, कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। जावा में अब्स्ट्रैक्शन किन दो तरीकों से हासिल की जाती है, एक था अब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस के ज़रिए। हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं और इनका सिंटैक्स क्या है और इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट में हम इंटरफेस देखेंगे कि इंटरफेस क्या होते हैं और इनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।